नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है एनसीएफ 2005 और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1975 में सबसे पहले, फिर 1988, 2000, 2005 में सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट इसका है। इसके बाद इसका जो प्रकाशन है वो कौन करता है, तो वो एनसीईआरटी है। और जब ये प्रकाशित हुआ एनसीएफ 2005, तो इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की थी। इसका जो टैगलाइन था वह था लर्निंग विदाउट बर्डन, और ये कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम से संबंधित है। इसका जो इसके जो जब इसको बनाया गया, तो जो इसके सदस्य थे वो कुल 38 सदस्य थे, 21 आधार पत्र थे और 22 भाषाओं में 17 राज्यों के पाठ्यक्रम को यह प्रभावित करता है, जो 22 भाषाओं में इसका प्रकाशित किया गया, और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ के अन्य राज्यों में इसको लागू किया गया था। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसमें जो बोला गया वह सूचना ज्ञान नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा, बिना बोझ के अधिगम, लोकतांत्रिक भावना का विकास, न्यूनतम अधिगम शिक्षा स्तर की बात की गई यहाँ पे, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यहाँ पे बताया गया। फिर एकता एवं राष्ट्रीय भावना का विकास, इसका मुख्य उद्देश्य था ज्ञान को जीवन से जोड़ना, जो कक्षा के बाहर का जीवन है उसकी बात यहाँ पे की गई। इसमें जो सूत्र थे वो थे आपके ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त, ये प्रमुख इसके सूत्र रहे। त्रिभाषा सूत्र की बात की गई, लेकिन शिक्षा का माध्यम जो था इसमें भी मातृभाषा को माना गया। इसके अलावा जो इसके प्रमुख बिंदु हैं वो शिक्षक को एक सुविधा प्रदाता के रूप में, समुदाय को एक मानवीय संसाधन के रूप में, तकनीकी को एक पूरक के रूप में, और शिक्षक प्रशिक्षण को सतत रूप से देने की बात यहाँ पे की गई। शांत शिक्षा को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जिसका जो उद्देश्य था वो था संयम, धैर्य एवं शुद्धता है तो सक्षम करे, ऐसी शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम के समावेशन की आवश्यकता इसमें मानी गई। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का इसका प्रमुख उद्देश्य विश्लेषणात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान रहा। इसके अलावा गणित जो है उसको पढ़ाए जाने का जो उद्देश्य था वो था सक्रिय अधिगम एवं समस्या समाधान हेतु बालकों को सक्षम करना। विज्ञान को पढ़ाए जाने का उद्देश्य इसमें रखा गया संज्ञानात्मक विकास एवं प्रयोगों हेतु सक्षम करना। कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन हेतु, जो मतलब कला जो आर्ट आपका रखा गया, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसका संवर्धन किया जाए। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का समावेशन किया गया इसमें, जिसमें एनएसएस और एनसीसी, रेड क्रॉस इत्यादि को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा कार्य अनुभव की बात कही गई, जिसमें अनुभव एवं शिल्प इत्यादि सम्मिलित किए गए। कंप्यूटर का उपयोग करने की बात इसमें करी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी का संवर्धन रहा। पुस्तकालय में बालक को स्वयं से पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए, ऐसा 2005 का मानना था। इसके अलावा सहशैक्षणिक गतिविधियां कराई जाएं, बालक तथा अभिभावक उससे जुड़े, अभिभावकों को भी इंक्लूड करने की यहां पे बात की गई। अनुशासन कैसे दिया जाए, अगर एनसीएफ 2005 की माने तो प्रोत्साहन द्वारा दिया जाए, न कि बालक को बार बार टोकते रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कराया जाए वो मनोरंजन पूर्ण रहे, उनमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। खेल में रिकॉर्ड तोड़ने जोड़ने की बात न की जाए, आनंद एवं सामूहिकता का विकास किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रश्नों की बात करें तो 25-40% जो प्रश्न हो वो आपके लघु उत्तरी होने चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 का माना। कक्षा 10 में 2 घंटे प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाना आवश्यक इसने माना, और कक्षा 1 और 2 जो आपका था उस पर पर्यावरण अध्ययन यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम देखें, तो कक्षा 1 से 5 में मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, कला, शारीरिक विज्ञान एकीकृत, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से कार्य अनुभव एवं गणित रहा। कक्षा 6 से 8 में मातृभाषा, आधुनिक भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, अंग्रेजी, विज्ञान, कला, गणित, सामाजिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। कक्षा 9 से 10 में जो पाठ्यक्रम चला इसके अनुसार अगर माना जाए तो गणित, अंग्रेजी, शांत शिक्षा, कला शिक्षा, मातृभाषा, उसके अलावा जो एक लैंग्वेज है संस्कृत, उर्दू या अन्य, कंप्यूटर, कार्य शिक्षा, सामाजिक अध्ययन जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान रहा। इसके अलावा कक्षा 11 से 12 में जो इन्होंने बात कही वो मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, कला, भूगोल, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, व्यापार अध्ययन एवं ऐच्छिक विषय। इसमें जो आपके ऑप्शनल भी कुछ सब्जेक्ट रहते हैं और कुछ आपके रहते हैं कि वो आपको करना है, जैसे लैंग्वेज आपका रहता ही है, उसके अलावा आपको कुछ ऑप्शनल चुनने रहते हैं। तो ये 2005 के अनुरूप आपका पाठ्यक्रम था। इसके अलावा
बात करें जो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, तो कक्षा बाकी तो आप जानते हैं सबके नाम वही है, सेम अर्थशास्त्र है या जैसे मनोविज्ञान चल रहा है तो मनोविज्ञान है, लेकिन जो कक्षा 1 से 5 में चलता है उसमें हिंदी का नाम रिमझिम, इंग्लिश का नाम मैरीगोल्ड, मैथ मैजिक, गणित का जादू गणित, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नाम आसपास, एवं जो उर्दू है उसमें इब्तदाई नाम से बुक्स चलती हैं। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, जो हम जनरल अगर जानना चाहें एनसीएफ 2005 के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि ये इतने बेसिक